नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू नेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं यशिका नेगी। एक बार फिर अपने चैनल पहाड़ी गल में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अच्छे क्यों नहीं होंगे, दिवाली भी चली गई है, भैया दूज भी चला गया, और सबने खूब मजे करे, एंजॉय। आपको पता है आज की वीडियो क्या होने वाली है? आज जानने को मिलेगा एक सरप्राइज। तो मैं आपको बता दूं सरप्राइज में एक्चुअली क्या है ना, आयुषी ना जयपुर से कल परसों आने वाली थी संडे को, बट वो आज आ गई और आना को नहीं पता, क्योंकि आना ताई जी के घर पे गई थी इनसे मिलने। तो अब आना को हम सरप्राइज देंगे, वो उसको देख के खुश हो जाएगी क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो देखते हैं अब ना, मैं ना आयुष को कॉल करके बुलाऊंगी, ठीक है? फिर देखते हैं आना का रिएक्शन क्या है। गाइस आपने एक चीज गौर की, मैंने अपनी हेयर कट करवाई है। मैंने भी करवा ली है। चलो गाइस से ऐसे बाद में मिलते हैं, आपको आयुष को बुलाती हूं, ठीक है? पुपी छोड़ जाओ। जो मेरी सारी पैकिंग हो रही है, फेंक रही है ये। देखो मैं सारा पैक कर रही हूँ देहरादून जाने के लिए, सारे कपड़े विंटर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी है। देखो कैसे फेंक रही है। यही सरप्राइज था। क्या हो गया? खुशी हुई तो आयशी को देख के। मुझे आयुषी से क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो देख के ये करंट नहीं लग जाता जैसे वो। तुझे गुस्सा तो चली गई इतना दिन छोड़ के, जब से इसको वो ही गुस्सा है इसका, रोना आ रहा है इसको। देख ये देखो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं बड़े दिनों बाद, और ये देखो गुस्सा देखो उसका। ओ देख ये किसको मारेगी फ्रेंड्स, देखो ये तो किसको मार रही है यार, इसको बचाओ ना फ्रेंड, किसको मार रही है कुछ आना बैटमैन से क्या, क्यों नहीं बात करनी? क्यों नहीं बात करनी? बाबू तेरा सरप्राइज था, अभी तो आई है। इसको पता है कि इसमें रो रही है। ये पता चला क्या? तू ताई जी के घर चली गई थी ना, तुझे जैसे हम लेने गए थे अभी अभी आई है बिल्कुल जयपुर से। पता है किशोर अंकल और आयुष भैया ने ऐसे पंडे में आए हैं, हमारे पास सस्ते में फोन आया था कि हम लोग पहुंच गए, तुझे तो चली गई थी मैं, अभी आए हैं लोग, सुबह से नहीं आए। चल खाए कर दे, गए तो मिलने अपने में। कितना प्यार करते तभी रो रही है। आयशी ये आपसे बात नहीं कर रही ना, तो आप ऐसे अपने घर चले जाओ बेटा, ठीक है? छोड़ दो इसको, रहन दो, आज से आपकी उसकी दोस्ती टूट गई। जाओ आयशी, चलिए आयशी जाओ, जाओ बेटा। क्या हुआ? नहीं नहीं अब हमारा दूसरा शिकार रेडी हो चुका है, जो है कीर्ति। अब हमारा टारगेट है कीर्ति, उसको सरप्राइज देने की आयुषी आई है, उसको भी पता नहीं है। अभी अभी वो हमारे घर पे आ रही है खेलने के लिए, फिर देखता है उसका क्या रिएक्शन होता है। इसका तो बहुत बुरा ही रिएक्शन निकला, अभी वो अभी वो खाना खा रही है अभी। हाँ, उससे गंदा निकला ना इसका रिएक्शन। हमने सोचा इतनी खुश होगी, शॉक हो जाएगी, गले मिलेगी। तो बेटा वो खुशी है, वो वो ऐसे ही दुखी कि इसको क्यों बताया तुम लोगों ने, समझे? वो खुश है। पहले तो घर पहले तो थी नहीं, हम लोग आए क्योंकि तू जब थी नहीं, तू जब तुझे दीदी हम लेने जा रहे थे ना उस टाइम, इसको उस टाइम मेरे को लेने जा रहे थे, इसलिए हम लोग चले। तो हम डोर खोलने जा रहे हैं, कीर्ति ने बैल बजा दी। देखा अब डोर खोलते देखते क्या होता है। कीर्ति आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, चलो जाओ तुम खुश हो गए। आना तो ऐसी हो गई थी, पूछो मत। अरे मेरे को पता था आंटी मेरे घर पे भाभी जी ना हो गई बन गई जा रही अचानक से। कीर्ति को वो आयुषी भी कीर्ति ने देखा नहीं, मैंने कहा कीर्ति कैसे, फिर वो गई कीर्ति को समझाया। अब ऐसा अब आना ठीक हो गया, अच्छा आना तो ठीक हो गया। अब तो अपनी फ्रेंड से गले मिल ले। हाँ।
अभी तक इसने आयुषी से गले भी नहीं मिला, पता है? मैं मिल जाती गाइस। अरे बाप रे, ये देखो खुश हो गया आयुष। अरे आना मिली गले। चलो अब तुम सब खेलो, ठीक है? फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम छोटा सा यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी बताना कि आपको आयुष आ गई, आपको कैसा लगा सरप्राइज। तो फिर जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, जब तक के लिए बाय बाय।